हेलो चिल्ड्रन टुडे आई स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑफ ग्रामर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स सो चिल्ड्रन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज के बारे में आपको कुछ बताते हैं बताने का मतलब आपको उस चीज का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो चीज कैसी है वो चीज जैसे फैट है थिन है बिग है स्मॉल है हॉट है कोल्ड है या उनका नंबर्स बताते हैं कि वो टू है थ्री है तो ऐसे वर्ड्स जो आपको किसी चीज के बारे में बताते हैं उन उस चीज का एक्सप्लेनेशन देते हैं सच वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स सो थ्रू सम एग्जांपल आई एक्सप्लेन द टॉपिक लुक एट पिक्चर नंबर वन राधा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल तो बेटा आपको पता है कि पिक्चर को देखने से आपको पता लग रहा है कि राधा एक गर्ल है लेकिन जो ब्यूटीफुल गर्ल है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है गर्ल को वो गर्ल के बारे में बता रहा है कि वो गर्ल कैसी है ब्यूटीफुल नाउ लुक एट सेंटेंस नंबर टू और पिक्चर नंबर टू द शार्प नाइफ कट माई फिंगर तो ये जो वर्ड है बेटा शार्प ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है नाइफ को नाइफ के बारे में बता रहा है आपको कि नाइफ कैसा है शार्प सो शार्प वर्ड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड कम टू पिक्चर नंबर थ्री मदर हैज अ ग्रीन साड़ी तो मदर के पास साड़ी है ये तो आपको पिक्चर में देखने से भी पता लग रहा है और जनरल भी हम कह सकते हैं मदर हैज अ साड़ी लेकिन कैसी साड़ी ग्रीन कलर की तो so, जो आपका ग्रीन कलर है वो है डिस्क्राइबिंग वर्ड वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है साड़ी को साड़ी के बारे में बता रहा है ना बेटा आपको कलर की वो कैसी साड़ी है ग्रीन कलर की साड़ी है सो ग्रीन वर्ड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड कम टू द नेक्स्ट पिक्चर रवि हैज हैजन बैलून सो वर्ड वन एक्सप्लेन बैलून वो बैलून के बारे में बता रहा है कि कितने बैलून है बैलून सो वन वर्ड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड कम टू द नेक्स्ट पिक्चर द ग्रेप्स आर स्वीट तो बेटा इधर देखिए ये जो स्वीट वर्ड है ये आपको ग्रेप्स के बारे में बता रहे हैं ना कि ग्रेप्स कैसे हैं स्वीट हैं मीठे हैं ग्रेप्स तो कैसे भी हो सकते हैं खट्टे भी हो सकते हैं मीठे भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ आपको बताया जा रहा है कि ग्रेप्स कैसे हैं मीठे सो स्वीट वर्ड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है बेटा ग्रेप्स को कम टू द नेक्स्ट पिक्चर नेहा हैज अ ब्राउन डॉग सो इस पिक्चर से भी पता लग रहा है और सेंटेंस से पता लग रहा है कि नेहा के पास कैसा डॉग है ब्राउन डॉग ब्राउन कलर का डॉग तो कैसा भी हो सकता है किसी कलर का भी हो सकता है लेकिन जो आपका ब्राउन वर्ड है वो आपके डॉग नेहा के डॉग के बारे में बता रहा है कि नेहा के पास ब्राउन कलर का डॉग है सो ब्राउन बर्ड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड सो चिल्ड्रन वॉट यू हैव लर्न फ्रॉम द अब एग्जाम्पल्स द वर्ड्स ब्यूटिफुल शार्प ग्रीन वन स्वीट एंड ब्राउन आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स ये आपके जो वर्ड्स हैं ब्यूटिफुल शार्प ग्रीन वन स्वीट एंड ब्राउन ये आपके कौन से वर्ड है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ये आपको किसी चीज के बारे में बता रहे हैं द वर्ड ब्यूटिफुल डिस्क्राइब द गर्ल द वर्ड ब्यूटिफुल डिस्क्राइब्स द गर्ल जो आपका वर्ड है ब्यूटिफुल वो आपको गर्ल के बारे में बता रहा है द वर्ड शार्प डिस्क्राइब्स द नाइफ जो आपका वर्ड है शार्प वो आपको किसके बारे में बता रहा है नाइफ के बारे में द वर्ड ग्रीन डिस्क्राइब द साड़ी जो ग्रीन वर्ड है वो आपको आपकी साड़ी के बारे में बता रहा है कि वो साड़ी कैसी थी ग्रीन कलर की थी द वर्ड वन टेल्स अस हाउ मैनी बैलून्स जो वर्ड वन है वो आपको बैलून की काउंटिंग बता रहा है कि कितने बैलून्स हैं द वर्ड स्वीट डिस्क्राइब्स द ग्रेप्स जो वर्ड है स्वीट वो आपको ग्रेप्स के बारे में बता रहा था कि ग्रेप्स कैसे हैं स्वीट है द वर्ड ब्राउन डिस्क्राइब्स द डॉग और लास्ट वाले एग्जाम्पल में जो वर्ड ब्राउन था वो किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा था बेटा डॉग के बारे में लुक एट सम डेफिनेशंस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डिस्क्राइब पर्सनस प्लेसेस एनिमल्स एंड थिंग्स फॉर एग्जाम्पल टॉल बॉय बिग सिटी वैट हैन येल्लो मग बेटा जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं वो आपके पर्सनस को प्लेस place, प्लेसेस को एनिमल्स एंड थिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं उनके बारे में कुछ आपको बताते हैं एग्जाम्पल देखिए टॉल बॉय बॉय कैसा है टॉल सो टॉल वर्ड क्या हो गया आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड come to the next example big city city is your place शहर so city कैसी है big बड़ी so big is your describing word fat hen hen means आपकी मुर्गी कैसी है मुर्गी fat come to the last example yellow mug आपका जो मग है वो कैसा है येलो कलर का है वो आपको बता रहे हैं कि येलो कलर का मग है तो मग को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि येलो मग है सो येलो इज योर डिस्क्राइबिंग वर्ड कम टू द नेक्स्ट लाइन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस अबाउट शेप साइज एंड कलर बेटा जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो आपको किसी के शेप साइज और कलर के बारे में भी बताते हैं फॉर एग्जाम्पल राउंड क्लॉक क्लॉक कैसी है राउंड शेप की सो राउंड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड स्मॉल बैग बैग कैसा है आपका स्मॉल छोटा सा आपको उसके साइज के बारे में बता रहा है सो स्मॉल इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड कम टू द लास्ट एग्जाम्पल रेड बॉल आपकी बॉल कैसी है बेटा रेड कलर की तो so, बॉल का कलर बता रहा है रेड रेड वर्ड सो रेड वर्ड इज योर डिस्क्राइबिंग वर्ड तो नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑल्सो टेल अस अबाउट सम स्पेशल क्वालिटी जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं बेटा वो किसी की स्पेशल क्वालिटी के बारे में भी हमें बताते हैं फॉर एग्जाम्पल कोल्ड मिल्क मिल्क तो आपका हॉट भी हो सकता है कोल्ड भी हो सकता है लेकिन इधर जो मिल्क है हमारा वो कैसा है कोल्ड कोल्ड मीन्स ठंडा सो कोल्ड वर्ड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है बेटा मिल्क को टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल हॉट टी टी मीन्स चाय कैसी है आपकी टी हॉट हॉट मींस गर्म सो हॉट वर्ड क्या कर रहा है आपको टी के बारे में बता रहा है कि टी कैसी है गर्म है सो हॉट वर्ड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड कम टू द नेक्स्ट लाइन समाइम्स दे टेल अस हाउ मैनी पर्सनस एनिमल्स बर्ड्स थिंग्स और प्लेसेस देयर आर मीन्स कभी कभी वो हमें पर्सनस एनिमल्स बर्ड्स थिंग्स और प्लेसेस का नंबर भी बताते हैं कि उनका नंबर कितना है हाउ मैनी मीन्स उनका नंबर कितने हैं एक वन है टू है थ्री है फॉर एग्जाम्पल टू पेंस पेंस कितने हैं टू सो टू इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड थ्री गर्ल्स गर्ल्स कितनी है थ्री सो थ्री क्या हुआ आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड टू डॉग्स डॉग्स कितने हैं बेटा टू सो टू इज योर डिस्क्राइबिंग वर्ड वन पार्क पार्क कितने हैं वन सो वन इज योर डिस्क्राइबिंग वर्ड